नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी और मैं हूं आपके साथ नमन मक्के। मध्य प्रदेश की इंदौर अनाज मंडी में लगातार गेहूं की जो आवक है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि गेहूं की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है। इसी के साथ साथ अब आवक भी जो है वो गेहूं की लगातार बढ़ रही है। क्योंकि यदि हम बात करें तो गेहूं की फसल मध्य प्रदेश की जो है प्रमुख फसल है, यही कारण है कि लगातार जो गेहूं की डिमांड है वो यहाँ से होती है और इसी के साथ साथ जो गेहूं की आवक है वो भी लगातार मध्य प्रदेश की जो अलग अलग मंडियां हैं वहां पर दिखाई देती है। हमारे साथ व्यापारी हैं हितेश अग्रवाल, सीधे उनके साथ चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ आवक अब की बार गेहूं की रही है और किस तरह का व्यापार गेहूं का वो देखते हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि किस तरह की आवक हमारे पास है और किस तरह का व्यापार हम देख रहे हैं गेहूं का? अभी हाल फिलहाल आवक बहुत अच्छी है, लगभग 400 वाहन के आसपास हमारी लक्ष्मीनगर अनाज मंडी में आ रहे हैं और अभी भाव भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। गेहूँ अभी 2200 से लेके 2700 तक की रेंज में बिक रहा है। तेजस, पोषण, लोकवन, क्रास, श्रीराम सुपर, ये बिक रहा है और आवक अभी काफ़ी अच्छी है और भाव भी अच्छे मिल रहे हैं किसान को। अच्छा, यदि हम बात करें किस तरह की डिमांड गेहूँ की हमारे पास है, कहाँ कहाँ से डिमांड होती है और पिछले साल की तुलना में इस साल डिमांड किस तरह की है? डिमांड तो सर बहुत अच्छी है और आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि डोमेस्टिक जो अभी लेने का टाइम है सर वो अब चालू हुआ है रंग पंचमी के बाद, और इसकी डिमांड और अभी नवरात्रि जो आएंगे चैत नवरात्रि में उसमें और बढ़ जाएगी, तो डिमांड तो बहुत अच्छी रहने की संभावना है। और गेहूँ हमारे इधर जनरली सांवेर बेल्ट, देपालपुर बेल्ट, धार, बदनावर, इस बेल्ट का ज़्यादा आता है तो काफ़ी अच्छे भाव मिल रहे हैं। अच्छा, यदि हम बात करें तो सरकारी खरीद भी अब शुरू है, लगभग सरकारी खरीद अब शुरू होने को है, ऐसे में कितना प्रभाव हमारे यहाँ मंडी में पड़ेगा यदि सरकारी खरीद शुरू करती है? जिस हिसाब से तेजी है सर, सरकार को तो गेहूँ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमारी मंडी की बात करें, दूसरी मंडी का मैं नहीं जानता, पर हमारी मंडी में तो बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि 2300-2350 तक भी अगर माल बिकता है तो किसान की प्राथमिकता रहती कि वो व्यापारी को ही खोलता है। जो अगर कोई गेहूँ 2200-2250 बिकता है तो जरूर सरकार में जाता है, बाकी 2300-2350 तक भी किसान की प्राथमिकता व्यापारी को देने रहती है, उससे ऊपर हल्का जो रहता है वो सरकार में जरूर जा रहा है, पर प्रॉपरली सही साट नहीं मिल रहा है किसान सरकार को गेहूँ इंदौर मंडी से लक्ष्मीनगर मंडी से। यदि हम बात करें उत्पादन में अब बार असर जो है मौसम का देखने मिला, किस तरह का उत्पादन रहा और क्या उत्पादन यदि कम रहा तो पिछले साल की तुलना में इस साल जो गेहूँ का दाम बढ़े? बिल्कुल सर, हमारी किसानों से रोज माल आता है, रोज लेते हैं किसानों से, जिस भी किसान से बात हो रही है, इस बार पिछले साल के मुकाबले 30% निपत कम बैठी है, उसका असर तो डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा, वो भी एक कारण है, डिमांड भी है। और 2400 रुपये चूँकि न्यूनतम समर्थन मूल्य कर रखा है तो गेहूँ किसी भी हालत में कम होना ही नहीं है, गेहूँ इस बार हो सकता है 3500 से ऊपर जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है सर। अच्छा, यदि हम बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल व्यापार किस तरह की स्थिति में रहेगा और इसी के साथ साथ जब आने वाले समय में हमारे पास गेहूं की डिमांड बढ़ेगी तो जिस तरह का उत्पादन हुआ क्या हमारे पास प्रॉपर गेहूं है उससे डिमांड को पूरा करने के लिए? बिल्कुल, इतना गेहूं तो है, अगर बहुत ज़्यादा तेजी आती तो फिर सरकार ही कुछ कदम उठाती है इम्पोर्ट करना है या वो, पर जनरली इतना गेहूं है कि हमारा अपने भारत का काम तो हो जाएगा, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। और जैसा आपने बताया कि 3500 रुपये तक अब तक जो है दाम चले जाएंगे गेहूँ के, यदि हम रिकॉर्ड देखें तो गेहूँ की इससे पहले की स्थिति किस तरह की रही, क्या अब की बार सर्वाधिक दाम होने की संभावना है? बिल्कुल है सर, पिछले साल तक 3200 रुपये तक गेहूँ गया था, पर इस बार 3500 से ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, जिस हिसाब से आज की स्थिति लग रही है गेहूँ बिल्कुल तेज रहेगा इस साल, मंदी की भी किसी भी हालत में संभावना नहीं है। निश्चित तौर पर तो ये थे व्यापारी हितेश अग्रवाल, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस साल गेहूँ जो है वो लगातार दाम गेहूँ के बढ़ते चले जाएंगे, 3500 रुपये तक का दाम जो है वो गेहूँ क्रॉस कर जाएगा, तो निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि गेहूँ अपना किस तरह का रंग आने वाले दिनों में दिखाता है और क्या वाकई गेहूँ के जो कीमत है वो 3500 रुपये पार हो पाती है या फिर नहीं। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन वच्चे।